डब्ल्यू पार्क में बच्चों के साथ क्या मजेदार होने वाला है? जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। छोटे बड़े चलो रेस लगाए, क्या कहते हो? हारने वाले को सड़ा हुआ अंडा मिलेगा। तुम्हें तेज होना पड़ेगा। बड़े जल्दी, छोटे रुको। बड़े क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे माफ करना, मुझे रेस नहीं लगाना चाहिए था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। सुनो, ये एक छोटी सी चिड़िया है। मुझे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद। बारिश के होने से चिड़ियों के घोंसले टूट जाते हैं। मेरे पापा बोलते हैं बच्चों को जल्दी ठंड लग जाती है अगर वो भीग जाए। हमें क्या करना चाहिए? हमें इसे जल्दी सुखाना चाहिए। हा? मैं अपने हाथों से इसे गर्म कर दूंगा। नहीं मत करो, चिड़िया को चोट लग सकती है। हाँ निकू, क्या तुम्हारे पास रुमाल है? हाँ मेरे पास है। लो मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। और ये हो गया। ये कितनी प्यारा दिख रहे हैं। वो मत खाओ, मुझे लगता है ये भूखी है। एक आइडिया है, इसे खा लो, ये शहद है। मुझे कोशिश करने दो। तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए? ये ले लो। क्या चिड़िया कीड़े खाती है? हाय दोस्तों, तुम क्या कर रहे हो? हे मंगू, आके देखो, हमने एक छोटे चिड़िया को बचाया है। ये छोटे चिड़िया, तुम्हारे लिए खाना मिल गया। देखो दोस्तों, ये हमारे साथ आना चाहती है। हाँ चलो चले और मजे करें। 1, 2, 3, 4 छोटी चिड़िया, तुम कितनी प्यारी हो। देखो वो सो रही है। आराम से सो चिड़िया। मुझे धूप पसंद है। स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट। मेरे बच्चे तुम कहाँ हो? मम्मी आ गई। बच्चा दोस्तों बाहर आ जाओ, धूप निकल गई है। बारिश थम गई है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस छोटी सी चिड़िया के लिए घोंसला बनाए यहाँ पर। ये घोंसला इसकी बारिश और तूफान से रक्षा करेगा। मैं समझ गया, तो घोंसला बिल्कुल घर जैसा होगा। बाहर कुछ भी हो वो अंदर सुरक्षित रहेंगी, है कि नहीं? मेंढक की मम्मी उसे घूमने ले जा रही हैं। है
ए चिड़िया क्या हुआ? शायद उसे अपनी मम्मी की याद आ रही हो। हमें इसकी मम्मी को ढूंढना चाहिए। पर फिर मैं इसे याद करूंगा। मुझे भी याद आएगी, पर इसकी मम्मी इसकी फिक्र कर रही होगी। हम भी अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकते ना। छोटे, छोटे, तुम ये क्या कर रहे हो? हम इसकी मम्मी को ढूंढ रहे हैं। छोटे सी चिड़िया तो तुम हो। गुलू, क्या तुम इसकी मम्मी को यहीं मिले थे? हाँ, यहीं पर। पर वो अभी कहाँ है? गुल्लू, पक्का याद है कि यही जगह है? मुझे लगता तो है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। चिड़िया की माँ, चिड़िया की माँ। छोटे, क्या उसे पता है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं? शायद नहीं, लेकिन ढूंढते रहो। चिड़िया की माँ, बच्चे, तुम कहाँ हो? चिड़िया की मम्मी, 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 चिड़िया की मम्मी। दोस्तों सुनो, ये आवाज उस पेड़ से आ रही है। चलो साथ में करते हैं। चिड़िया की मम्मी, चिड़िया की मम्मी, चिड़िया की मम्मी। ये उसकी मम्मी नहीं है। चलो कहीं और देखते हैं। चिड़िया की मम्मी, चिड़िया की मम्मी, चिड़िया की मम्मी, आप कहाँ पर हो? ये बोल रहा है, क्या तुमने सुना? इतनी प्यारी आवाज है। मेरा बच्चा, स्वीटहार्ट, मेरा बच्चा, मैं बहुत परेशान हो गई थी। हमने क्या सिखाया? मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। मुझे पहले ही इसे आपके पास लाना चाहिए था। परेशानी के लिए माफ कर देना। इसने मुझे बताया कि ये तुम सबको बहुत पसंद करता है। अगर ये चाहेगा तो मैं इसे मिलाने जरूर लाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, चलो घर जाने का वक्त हो गया। बाद में मिलते हैं। बाय। बाद में मिलते हैं। बच्चों की छुट्टी के बाद वो सब घर चले गए। मम्मी, मम्मी। आ गए बच्चों। मम्मी, आज मुझे आपकी बहुत याद आई। मम्मी, मैंने भी आपको याद किया। मैंने भी बहुत याद किया बच्चों। अब मेरे पैर से हटो ताकि हम घर जा सकें। सूरज डूब रहा है। बब्लू डब्लू पार्क में क्लास खत्म हो चुकी है। अजीब बात है, मेरा केला कहाँ है? कहीं मिल नहीं रहा।
बहुत डर लग रहा है, जल्दी जल्दी ढूंढना चाहिए। अच्छा तुम हो मुन्ना, मैं तो डर ही गया था। राजकुमार लल्लू, हमें जाना चाहिए। नहीं रुक जाओ, मुझे अपना केला ढूंढना है। क्या तुम्हें मिला? हाँ, ये। हाँ। राजकुमार लल्लू, ये क्या चीज है? मुझे नहीं पता, छुप जाते हैं। राजकुमार लल्लू, मुन्ना। उसने हमें नाम से बुलाया, उसे हमारे नाम कैसे पता है? राजकुमार लल्लू, अब हम क्या उत्तर देंगे? राजकुमार लल्लू, मुन्ना। क्या हुआ बच्चों? तुम दोनों अभी तक घर क्यों नहीं गए? बहुत देर हो रही है। ये शोर कैसा आ रहा है? ये मेरे पेट से आवाज आ रही है। देखो मैं वजन कम कर रहा हूँ, इसलिए मैं रोज सुबह खाली पेट दौड़ लगाता हूँ। हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, आजकल मैं स्वादिष्ट मसालेदार खाना नहीं खा पा रहा हूँ। मुझे और राजकुमार लल्लू को लगा कि कोई राक्षस है। आराम से खाओ। हे मिस्टर बंटा, कल मेरे और राजकुमार लल्लू के साथ कुछ मजेदार बात हुई। क्या सच में? बताओ मुझे। कल हमने बबलू डब्लू पार्क के गेट के सामने एक अजीब सा जानवर देखा। वो बहुत लंबा था, उसके बाल काफी काले और घने थे, और उसकी आंखें बहुत चमक रही थी। और वो डरावनी आवाज निकाल रहा था, और वो ऐसे चल रहा था। जंगल में एक अजीब सा जानवर, मुझे उसके बारे में जाकर सबको बताना होगा। आपको क्या लगता है मिस्टर बंता, वो कौन सा जानवर हो सकता है? मुझे नहीं पता। वो कोच डमरू थे। क्योंकि कोच डमरू वजन कम कर रहे हैं, इसलिए उनके पेट से आवाजें आती हैं। वाह, कैसे कर लेते हो तुम ये? शुक्रिया, मुझे गड्ढे खोदना पसंद है। मेरे पास ये स्वादिष्ट गाजर भी है, ये लो। मेरे लिए? हाँ। शुक्रिया मंगू। बड़ी खबर, बड़ी खबर। क्या हुआ पिंकी? मैंने सुना है कि जंगल में एक ऐसा जानवर आया जिसे हमने कभी नहीं देखा है। एक अनजान जानवर? हाँ 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 बिल्कुल। मैंने सुना है कि वो बड़ा और लंबा है, और वो सर से पांव तक पूरा काला है, और उसकी आंखें रात में चमकती हैं। मैंने ऐसे जानवर के बारे में कभी नहीं सुना। ये सच है। और वो ऐसा आवाज करता है, गुलुलुलुलुलु। ये मजाक नहीं है। ओ हाँ, राजकुमार लल्लू और मुन्ना ने देखा है, ये स्कूल के आसपास कहीं है, पर अभी कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। वो यहाँ है। इतनी मिट्टी मत उड़ाओ, हम बीमार हो जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं मंगू, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, मुझे छोटे और बड़े को बताना होगा। रुको मंगू। क्या तुम सबको पता है कि जंगल में एक बड़ा सा गुलू राक्षस आ गया है? एक बड़ा सा राक्षस? मैंने तो कभी कोई राक्षस के बारे में नहीं सुना। क्या तुम्हें लगता है कि वो आसमान से आया है? आसमान? तो क्या वो उड़ भी सकता है? वो कोच डमरू जितना बड़ा है, और वो उड़ सकता है, और वो डरावनी आवाजें भी निकालता है। नैनीकू, क्या तुम्हें पता है कि वो गुल्लू राक्षस आ रहा है? क्या गुल्लू? क्या वो ऐसी आवाज निकालता है गुलुलू, और वो कोच डमरू से भी ज्यादा बड़ा है, वो बहुत डरावना है। सही में? मैंने सुना है वो पहाड़ जितना बड़ा है, और वो जब चलता है तो धरती हिलती है। दिन में वो दिखाई नहीं देता, मगर शाम को वो दिखाई देता है। शाम को? तुम
तुम्हें शाम नहीं पता? ये वो समय है जब सूरज ढलता है। आ, मुझे कुछ जरूरी ध्यान में आ रहा है। कोच डमरू तो रोज शाम के वक्त भागने जाते हैं। अगर कहीं उन्हें गुल्लू राक्षस मिल गया तो हम क्या करें? कोच डमरू खतरे में है। दोस्तों, हमें कोच डमरू को राक्षस के बारे में बताना होगा। हाँ, गुल्लू राक्षस को हराने के लिए कोच डमरू को हमारी जरूरत है। बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो चलो अभी कोच डमरू के पास चलते हैं। चलो चलो, चलो! अरे आओ भी। चलो! क्या बात है मिस बैनर्जी, क्या आपने कोच डमरू को देखा है? कोच डमरू? वो जॉगिंग के लिए गए हैं। मिस बैनर्जी, आपको कोच डमरू को बचाना होगा। गुल्लू राक्षस यहाँ पर है। गुल्लू राक्षस? वो ऐसे आवाज निकालता है। मुझे बताओ बच्चों, तुमने गुल्लू राक्षस को कहाँ देखा? वो मुन्ना, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। वो मिस बैनर्जी, मैंने उस राक्षस को नहीं देखा, पर ये सच ही होगा क्योंकि रिंकी ने मुझे बताया है। ये सही कह रहा है, किसने मुझे बताया? मैंने सुना था मुझसे। मैंने गुल्लू को राक्षस के बारे में बताया था और वो दिन में गायब भी हो जाता है। और मैंने सुना है कि वो रात में ऐसे चलता है, धूम 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 धूम, पूरी धरती हिलती है। आवाज वहाँ से आ रही है। ये क्या गुल्लू राक्षस है? मुझे डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। बच्चों, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? देखो दोस्तों, वो कोच डमरू है। कोच डमरू, ये आप हो? हमें लगा गुल्लू राक्षस आ गया है। गुल्लू राक्षस? ये क्या है? गुल्लू राक्षस एक बहुत बड़ा राक्षस है। हाँ, बिल्कुल सही। दोस्तों, क्या हम कोच डमरू को ही गुल्लू राक्षस समझ रहे थे? बच्चों, ध्यान से याद करो, ये गुल्लू राक्षस की अफवाह किसने सबसे पहले उड़ाई? मुझे सब याद आ गया। आज सुबह मैं और मुन्ना मिस्टर बंता से बातें कर ही रहे थे कि हमने एक राक्षस को देखा है, पर फिर पता चला कि वो तो कोच डमरू थे। राजकुमार लल्लू, तुमने जो भी मिस्टर बंता को बताया था, क्या वो कोच डमरू के बारे में था? हाँ बिल्कुल। मैंने तुम्हारी बातें सुनी और मुझे लगा कि वो एक राक्षस है, और मैंने मांकू को बता दिया। तो ये गलती है, पर वो डरावनी आवाज कहाँ से आती थी, बताओ? हाँ, और उस आवाज का क्या? बच्चों, यहाँ आओ मेरे पास। क्या तुमने ऐसी ही आवाज सुनी थी? हैं? मैंने सुना, यही आवाज थी वो। कोच डमरू ही सच में वो राक्षस है। मैं आजकल कम खाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए ऐसी आवाजें निकलती रहती हैं। तो ये वैसे ही